अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि कल जो कपड़े धोए थे ना वो सूखे तो थे नहीं, टले हुए हैं। तो थोड़े से कपड़े थे जो कि मैं लास्ट में डाल कर गई थी मशीन में, तो फिर मैं आई नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं वो मशीन में से निकाल के मैं डाल दूँ। ये कल जो धूप निकली थी ना थोड़ी सी, उसकी वजह से आज ज़्यादा कोहरा हो गया। वैसे अभी कम कोहरा लग रहा था, लेकिन जरा भी धूप निकल आती है ना तो तेज कोहरा हो जाता है। अभी सुबह तो और ज़्यादा था, अभी थोड़ा ये घर दिखने लगे हैं। अगर धूप निकल आती है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, वैसे निकलने तो चाहिए, और नहीं निकली तो बस ऐसे ही डले रहेंगे ये कपड़े, क्योंकि कल सूखे ही नहीं। मैं सोच रही थी ले जाऊं, लेकिन गीले थे। ये देखो कुर्सी पे पानी, ओस का पानी। तो ये कपड़े मैं डाल दूं जल्दी से। तो अभी जो टाइम है ना 10 बजे का हो रहा है, और कोहरा तो इतना ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है अल्लाह से कि धूप निकल आए, जिससे हमारे जो कपड़े हैं ना वो सूख जाए और हम इंसानों को भी राहत मिले। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है, 10 बज गए हैं। क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। हवा भी चलती है अब तो, ये देखो इनके भी कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी तेज के कपड़े सूख जाते। धूप निकली थी लेकिन ऐसी ही निकली थी। ये देखो हमारी तरफ एक नया घर बन रहा है, और ये दो घरों की छत पड़ी है, ये वाले घर की और उधर पानी भरा हुआ है वो वाले घर की। तो देखो हमारे साइड कितने सारे घर हो गए अब तो, बहुत सारे। ये भी घर बन जाएगा, और आगे की साइड भी बन रहे हैं घर, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कोहरे की वजह से। तो ये देखो मैंने कल खाना यहाँ पर खाया, बर्तन यही भूल गई थी। हाँ तो चलो चलते हैं। दिल मेरा, दिल मेरा। लाइट चली जाती है, लाइट नहीं रहती इस टाइम पर, आती जाती रहती है। तो चलो, तो बस सबका चाय नाश्ता हो गया है, मेरी भी चाय रह गई थी तो मैंने भी पी ली है। और बस अभी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। गीजर चालू कर दिया है क्योंकि अभी से चालू किया है, तब थोड़ी देर लगेगी पानी गर्म होने में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इसलिए नहाने से पहले कुछ टाइम पहले ही जो है ना गीज़र चालू कर देती हूँ, जिससे पानी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो बच्चों को नहलाऊंगी और अपना जो काम है वो करती हूँ, साफ सफाई। और खाने की भी सोच रही थी चाय पीते पीते कि क्या सब्जी बनाऊँ, क्या बनाऊँगी। वो तो रोज़ का ही है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। तो जो भी है देखती हूँ, बना लेती हूँ और फिर अपना ये काम करती हूँ, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है कि धूप भी निकल आएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूरज दिखाई दे रहा था, अभी मैं बाहर गई थी। तो चलो देखते हैं, अच्छा है धूप निकल आए, जिससे जो कपड़े डले हुए हैं वो सूख जाएं और बच्चे भी जो है ना बाहर खेल लेंगे। क्योंकि जब से उठे हैं तो रूम में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि कोहरा हो रहा है बाहर तो कहाँ खेलेंगे, छत पर खेलते तो मैं कोहरे की वजह से जाने नहीं दे रही हूँ। तो अभी रूम में ही बैठे हुए हैं, धूप निकल आएगी तो ऊपर जाएंगे खेलने के लिए। तो चलिए अभी मैं भी अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस अभी आ गए हम लोग ऊपर, और बच्चे नहा लिए हैं, तो बस अभी नहा कर बैठ गए हैं। ये लो दोनों बच्चे नहा लिए, इनाया उस साइड बैठी है, आलिया यहाँ पर बैठी है, और खाना ही बन गया है। तो खाने मैंने आज खीर बनाई है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। तो बस नहला कर इनको
खीर दे दिए, इससे अभी खीर खा लेंगे। रोटी अभी सेकी नहीं है, तो रोटी जब सेकूंगी तब खाना खा लेंगे। इनाया इस साइड बैठी है, तो बस अभी धूप तो बढ़िया निकलेगी, कपड़े भी सूख जाएंगे और बच्चे भी अच्छे से गर्म हो जाएंगे। तो बस अब मैं कर लेती हूँ अपना झाड़ू पोछा। तो बस ये टॉवल यहाँ डाल देते हैं और अब कर लेते हैं अपने रूम को सही, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो ये वाला गद्दा ना हम नीचे बिछा देते हैं क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, तो इस वजह से। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं हम अपनी साफ सफाई करने के बाद। और एक कमेंट आया था कि आप ना सोफ़ा बड़ा वाला बीच में रखें और दोनों सोफ़े इधर उधर रखें, तो मैंने ऐसे पहले रखा था, तो मैं सेटिंग क्या चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं इस तरीके से रखती थी कभी उस तरीके से, तो ऐसे ही रखती रहती हूँ। तो ये देखो बच्चे ना यहीं पर खेलते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उनका पूरा सामान पड़ा रहता है, सोफ़ा कम सामान रखने की जगह ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, हम चाहे इतनी सेटिंग सही कर दे लेकिन बच्चे जो है ना कभी कुछ चीज़ कभी कुछ चीज़ रख ही देते। तो ये तो जो है ना अभी नहाए थे ना, तो ये मैंने बॉडी लोशन वगैरह लगाया था इसलिए रखे हुए। तो चलो ये करते हैं। और अभी बर्तन भी हैं तो बर्तन थोड़े से ही हैं, तो उनको पहले साफ़ करते हैं और फिर झाड़ू पोछा इकट्ठा करूँगी। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ये देखो ये मेरा मछली पॉट खाली है, ये मैंने 3-4 दिन पहले धोकर रख दिया है क्योंकि मेरी सारी जो मछलियाँ थी चारों मर गई हैं। तो मर के लास्ट में मम्मी की फातिया थी ना, जब पहली मछली मरी थी हमारी, क्योंकि 2-3 दिन से वो थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, लेटी रहती थी, फिर चलने लगती थी, लेटी रहती थी, तो मैं सोच रही थी सुस्त सी है तो आराम करती है, लेकिन वो जो है ना जिस दिन मम्मी की फातिया थी उस दिन रात में ही ख़त्म हो गई थी। और फिर जो है ना उसके बाद से जो है ना 3 मछली थी वो भी धीरे धीरे कुछ दिन में ख़त्म हो गई, तो मेरी चारों मछलियाँ मर गई। तो ये कह रहे हैं कि अब सर्दियों बाद ही दूसरी मछलियाँ लाना, अभी रहने दो। तो अभी मैंने धोकर इसको रख दिया है, लेकिन इसी इंतज़ार में रखा है कि मछलियाँ इसमें डलेंगी दोबारा से, लेकिन माशाल्लाह से बहुत लंबी मछलियाँ चल गई, वरना मछली बहुत जल्दी मर जाती हैं, लेकिन मछलियाँ हमारी काफ़ी अच्छी चल गई, गर्मी में लेकर आए थे और सर्दियों में जाके हुई हैं। तो बस खीर मैंने बनाई थी थोड़ी सी ही, तो ये रखी हुई, तो इसको मैं कटोरी में करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना मैंने निकाल लिया है अपने लिए, तो बच्चों को खाना खिला दिया है, और ये बनाई है मैंने आज आलू गोभी की सब्जी, रोटी और खीर। तो चलिए चलते हैं ऊपर खा लेते हैं खाना। तो बस खाना वाना हमारा हो गया है और मैं आ गई हूँ छत पे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं खाना खाकर गई हूँ छत से, और अब आ गई हूँ मैं कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि धूप जो है ना अब चली जाएगी। और यहाँ पे आलिया जा रही है दूध लेने, तो आज मैंने आलिया से बोला कि तुम लेकर आ जाओ, कभी कभी मेरा मन नहीं होता है तो आलिया को भेज देती हूँ मैं दूध लेने के लिए। तो बस दूध लेने के लिए ना ये सामने जो बड़ा पेड़ है बस यहीं से थोड़ा चल के लेकर आते हैं, तो पास में ये इसलिए भेज देती हूँ कभी कभी, लेकिन जब भी जाती है तो मैं छत पर आ जाती हूँ देखने के लिए, वैसे नहीं भेजती मैं। और यहाँ से ना उसकी फ्रेंड वगैरह भी जाती हैं दूध लेने के लिए, तो इसलिए भी चली जाती है। तो बस ये जा रही है और मैं भी जो है ना कपड़े उठाकर रख लेती हूँ, क्योंकि आज तो जो है ना अच्छे से सूख गए, क्योंकि कल के सूखे हुए थे लेकिन ओस से जो है ना गीले हो गए, तो आज सूख गए। और ये देखो आलिया इनाया यहाँ पर खेल रही थी, ये देखो कटिंग काट कर इनाया चिपका रही थी, और आलिया भी कुछ बना रही थी, तो इनका ये सामान पड़ा हुआ है। तो बस अभी मैं फटाफट से ये कपड़े रख लेती हूँ, फिर ये भी समेट कर नीचे ही ले जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े समेट लिए हैं और आलिया भी दूध लेकर आ गई है, ये देखो। आलिया
तो बस यहाँ पे आलिया भी आ गई है और अब हम भी चलते हैं क्योंकि कपड़े तो सारे समेट लिए हैं। बस ये बेड शीट है अब इसको भी समेटते हैं। तो मुझे कपड़े उठाने से याद आया कि कल की वीडियो में मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपकी मशीन किस कंपनी की है और कितने की है। तो डियर सिस्टर, मेरी जो मशीन है वॉशिंग मशीन वो है IFE की और इसकी जो प्राइस है ना वो 39 या 40 हज़ार के समथिंग है, क्योंकि उसको मैंने एक साल पहले परचेस किया था जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ली थी। और ये हमने ऑफलाइन नहीं लिए, ऑनलाइन लिए, अमेजोन से ली है। और ये जो है ना हमारी मशीन 8 किलो की है, तो 8 किलो के हिसाब से ही उसकी प्राइस है। तो ये हमें 39 या 40 की पड़ी है, मुझे रेट याद नहीं है, लेकिन आप अमेजोन पर देख लेना, वहाँ पर सर्च कर लेना IFE 8 kg वॉशिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक, और ये हमारी फ्रंट वाली है। तो और इसमें जो है ना काफ़ी अच्छे कपड़े धुल जाते हैं, ये जो हमारे पहने कपड़े होते हैं वो तो धुलते ही है, साथ ही साथ ये कारपेट है और काफ़ी हैवी भी कपड़े उसमें धुल जाते हैं। कंबल वगैरह है वो भी मैं धो लेती हूँ, सिर्फ हमारा जो सर्दियों वाला कंबल है उसको नहीं धोती हूँ और बाकी के सारे कपड़े धो लेती हूँ। तो इसको मुझे ना पूरा 1 साल हो गया यूज़ करते हुए और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक तो पानी में हाथ नहीं देना पड़ता है, कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ती है निकालने करने का, कोई भी झंझट नहीं है, ईजिली कपड़े धुल जाते हैं, काफ़ी ईजी है उसको यूज़ करना। क्योंकि जब ये मशीन आई थी ना तब मुझे ये लगता था पता नहीं मैं कैसे यूज़ करूँगी, तो स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब एक बार कपड़े धोए तो फिर आराम से मैं यूज़ करने लगी। तो बस ये थी मेरी मशीन के बारे में। और हमने जो है ना ज़्यादातर चीज़ें ना ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, चिमनी हो गई। तो जब हमारा घर बना था तो हमने ये चीज़ें कुछ थी जो हमने ऑनलाइन ही ली थी, गीज़र हो गया और 2-3 चीज़ें और थी इकट्ठा। उस टाइम पर दिसंबर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग हमने की थी अमेजोन से। तो चलिए, फ़िलहाल आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा सुनहरा ऑरेंज कलर का। तो बस सूरज अभी डूबने ही वाला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है।